शेख, ये मेरा सवाल है कि जैसे जिन्नात का सवाल है कि कुछ औरतें जैसे उनको कुछ लगता है कि उनके घर वालों को इसके अंदर जिन्नात आ गया है, जब किसी को रुकाया करने के लिए किसी आलिम को, मौलवी को, जो भी आता है उसको बुलाते हैं, तो अक्सर उनके अंदर औरतें होती है, अपना नाम बताती है और गैर नाम बताती है। फिर वो आलिम जो आता है, मौलवी जो भी आता है, वो उसको कहता है कि भी बाहर निकल जाए, मैं जला दूंगा कुरान के जरिए, या फिर वो कहता है मैं बोतल में बंद कर दिया मैंने इसको। तो क्या ये जी बातें सब सही है, और क्या जिन्नात में हिंदू मुस्लिम भी क्या मामला कुछ है क्या? जी शेख, पहली बात क्या कहा इन्होंने? पहली बात ये कहा उन्होंने कि मतलब हम लोग देखते हैं माशरे में कि लोगों के अंग में जिन आता है, और फिर आलिम जो आमिल जो आता है इलाज करने वाला, वो जिन से बात करता है, उसका नाम और सारी चीज़ें पूछता है, फिर या तो उसको कुरानी आयत पढ़ करके जला देता है, या तो उसको बोतल में बंद कर लेता है, और फिर जब वो नाम बताता है तो उसमें जो है मुस्लिम भी होते हैं, काफिर भी होते हैं, तो क्या इस तरह होता है, उनका पूछना है। देखिए, ये जो सवाल है इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे फील्ड से मुताल्लिक नहीं हैं, मेरी मालूमात उसमें बहुत महदूद हैं। अलबत्ता जो कुछ उसूली बातें हैं शरीयत की, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो किसी इंसान के ऊपर जिन आना ये हकीकत है, जी जिन आता है, और वो जिन जो आता है जिन्नों में भी जैसे इंसानों में मुसलमान होते हैं, गैर मुस्लिम होते हैं, उसी तरह से जिन्नों में भी होते हैं, तो ये सच्चाई है। और इसका जिक्र कुरान में भी आया है कि जिन काफिर जिन थे वो इस्लाम लाए। दूसरी बात ये कि ये जो आमिल होते हैं बहुत सारे, किसी औरत पर जिन आया आए उसको मस की शिकायत है, अब आमिल से आमिल को बुला करके उस औरत पर रुकिया करवाया जाता है, दम करवाया जाता है, पर्दे वगैरह का कोई एहतमाम नहीं होता है बिल्कुल। वो और ख़ास तौर से वो औरत जिस पर जिन आया हुआ है, जाहिर है वो औरत कई दफ़ा अपने होश में नहीं रहती है, पर्दे वगैरह का वैसे भी ख्याल नहीं रख सकती वो। तो इस तरह से अजनबी मर्दों को बुला करके लाना, औरतों का जिन छुड़वाने के लिए उन पर रुकिया करवाना, ये बेहयाई और बेशर्मी है, इसमें हद दर्जा बेपर्दगी होती है, ये जायज़ नहीं है। लिहाजा घर का ही कोई फर्द उस पर रुकिया करे, और अगर सही तरीके से रुकिया किया जाए तो इंशाअल्लाह जिन के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो जो है मौजूद रह सके। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन वो जाएगा, रुकिया के अंदर इतनी कुव्वत है। तो लिहाजा ये जो अजनबी मर्दों से औरतों का रुकिया करवाते हैं, उनके सामने ला करके जिन छुड़वाते हैं, ये जायज़ नहीं है, ये सरासर हराम है, ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। बाकी आपने जो कहा बोतल में बंद कर लेते हैं, जला देते हैं, वल्लाहु आलम, इसका मुझे इल्म नहीं है। जी लुकमान साहब, के कुछ इलाके कुछ एरिए ऐसे है कि जहाँ पे लोग अक्सर कहते हैं भी हमें यहाँ पे कोई बला दिखती है, बुजुर्ग लोग भी बताते हैं, अक्सर दिखाई भी देता है, अगर किसी के सामने कोई आ रहा जा रहा है और कोई बला बीच रास्ते में उसके सामने आ गई, तो उस वक्त उसको क्या करना है, या फिर वो रास्ते में कभी बाजू में दिखाई दे गई तो उसको कैसे निकलना वहां से, इसकी जानकारी आप बता सकते हैं? देखिए, कोई बला नहीं होती है। अगर आप जो है मुसलमान हैं, सच्चे पक्के, नमाज के पाबंद हैं, जिक्र अज़कार आप पढ़ रहे हैं, रास्ते में कोई जिन आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि जब इंसान घर से निकलता है और ये दुआ पढ़ता है कि बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये दुआ पढ़ करके आप निकलते हैं, तो इसके नतीजे में क्या होता है? तो फकद कुफीता व हुदीता व उकीता, तीन चीजें आपको हासिल होती हैं। एक तो ये कि अल्लाह आपके लिए काफी हो गया, दूसरी ये कि आपको हिदायत मिलेगी, आपको गुमराही और जलालत नहीं मिलेगी, और तीसरी बात ये कि जो है उकीता, आप हर तरह के शर से बचा लिए जाएंगे, और शैतान का शर भी एक शर है। तो अगर आप ये जिक्र करके घर से निकले हैं तो कोई बला रास्ते में, कोई शैतान, कोई जिन आपका कुछ भी नहीं नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह जो सुबह शाम के अजकार हैं, उन अजकार में से कई अजकार के बारे में आया है कि फला जिक्र आपने पढ़ा तो सुबह को पढ़ लिया तो शाम तक आप अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में रहेंगे, कौन सी बला आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी बेशतर चीजें
वहम होती है, खुराफात होती है, किस्से और कहानियां होती हैं, कोई भला नहीं है, कुछ भी नहीं डरना होना चाहिए। जैसे भाई का सवाल, लुकमान साहब का सवाल ये है, शख्स जैसे जिन्नात वगैरह नजर आ जाएं या चुड़ैल वगैरह दिख जाए, ऐसी सूरत में क्या करें, कैसे भागें वहां से, कैसे बचे? भागने की जरूरत क्यों है, क्यों भागेंगे आप? आप अपना रास्ता पकड़ के जाइए, हो सकता है कोई इंसान हो जिसको आप जिन्नात समझ रहे हैं। हाँ, अगर वो जिन होगा तो कभी कभी ऐसी चीजें जो नहीं होती है अचानक हो जाए तो इंसान डर ही जाता। बिल्कुल बिल्कुल, बेशतर वाकयात जो सुनने में इस तरह के आते हैं, बाद में आप तहकीक करो तो पता चलता है कि वो इंसान का वहम था। तो इस तरह के वसवसे जो है नहीं पालने चाहिए। अगर वो जिन है तो उन जिनों के भी अपने हुदूद होते हैं, उन हुदूद से बाहर वो नहीं आ सकते। अगर अगर मान लीजिए इंसानी शक्ल में दिख भी रहा है, आप उधर से जाओगे तो हट जाएगा वो। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सूरह जिन में अल्लाह ताला ने जो बताया है कि जब इंसानों ने जिन्नातों से डरना शुरू कर दिया तो और ज्यादा सरकश हो गए। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आदमी जो एहतियाती तदाबीर हैं, दुआएं वगैरह पढ़ना, वो दुआएं वगैरह पढ़ के घर से निकले, सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करे, उसके बाद इंशाल्लाह आप मुकम्मल तवक्कुल और यकीन रखें कि कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती।